हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जिसमें हम इकाई दो का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई दो में हमने पिछले वीडियो में बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध परंपराओं के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अपने जैन परम्परा के परिचय के बारे में अध्ययन किया। जैन परंपरा को प्रारंभ करने वाले, जैन धर्म को प्रारंभ करने वाले कौन थे, उन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं पुनः एक बार वो रिवीजन कर देता हूं कि पार्श्वनाथ यानी जो तीर्थ करते हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर के बाद यानी 599 ईसा पूर्व के बाद महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ, वो जन्म कहां हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। इन्होंने ही सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, और उनका बचपन में नाम था वो वर्धमान था, और उनके जो जिस कन्या से शादी हुई थी उस कन्या का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और 30 वर्ष की आयु में उनके पिता उनको छोड़ के चले गए। और 30 वर्ष की आयु में ही इनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य जीवन अपना लिया और 12 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति करी। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे 24वें तीर्थकर कहलाए। यानी हमारे जो महावीर स्वामी जी हैं, वो जैन धर्म के 24वें या अपन अंतिम कह सकते हैं, अंतिम तीर्थकर थे, और उन्होंने ही जैन धर्म का प्रसार प्रसार किया था। अब जैन धर्म के उदय होने, फिर 24वें तीर्थकर होने के बाद में उन्होंने जैन धर्म का प्रसार प्रसार किया। 668 ईस्वी पूर्व राजगृह के पावापुरी स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब जैन धर्म के उदय होने के क्या कारण थे, ये भी मैंने बताया था। सबसे पहला था ब्राह्मणों का मतलब है कि आधिपत्य, मतलब कि वैदिक संस्कृति में आपने देखा होगा कि उस समय ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान दिया गया था, उनको ऊंचा माना जाता था, वर्णों में ऊंचा माना जाता था, इसलिए उनका के आधिपत्य होने लग गया। वो अपनी मन मर्जी से जो भी होता है वो कार्य करते थे। उसके बाद में कर्मकांडो, ये इन चीजों का भी बंधन ज्यादा होने लग गया। कर्मकांड जैसे हवन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी, यज्ञ ज्यादा होने लग गए, इन चीजों में मतलब कि बहुत जबरदस्ती करवाने लगे। फिर उस समय बलि प्रथा भी चलती थी, उस वैदिक काल में बलि प्रथा भी चलती थी, जिससे कुछ लोग इस चीज से नाखुश थे। इस चीज से क्या होते हैं? नाखुश थे। इस चीज को बदलना चाहते थे कि जीव हत्या करके हम किसी भी धर्म को या किसी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या किसी भी अच्छे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और फिर इसके बाद में कठोर जाति का बंधन भी था, उस समय भी कठोर जाति का बंधन था, जिस जाति में जैसे नियम कायदे होते थे उसी को ही पालना पड़ता था। आज हम जिन पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत, सबसे पहले जो सिद्धांत है हम बिंदु के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है वह अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद यानी जैन धर्म किसी भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वह तीर्थकर होते थे, जो व्यक्ति जैसे महावीर स्वामी जी है, ऋषभ देव है, पार्श्वनाथ है, ये जो तीर्थकर थे उन्हीं को ही ईश्वर मानते थे, यही ज्ञान का प्रसार करते थे, यही ज्ञान का उपदेश देते थे, इन्हीं को ही ईश्वर माना जाता था, एक ईश्वर के तुल्य माना जाता था। उसके बाद में कर्म की प्रधानता, ये कर्म थे, मतलब जैसे बौद्ध सिद्धांत में बताया कि कर्म ही ईश्वर है, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलता है, जैसे जो जैसा कर्म करेगा वैसे उस कर्मों के अनुसार ही उसे मतलब सफलता मिलती है, उसको अपने हिसाब से ही मतलब कि फल की प्राप्ति होती है। यानी कर्म, हर व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, सच्चा कर्म करना चाहिए और कर्मों में ही विश्वास करना चाहिए, ना कि हमें ईश्वर के भरोसे बैठना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के भरोसे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद में अहिंसा, तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब है कि जैन धर्म धर्मावलंबी किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, किसी भी जीव की हत्या नहीं करवाते थे, और अहिंसा ये
मतलब ये कि जैन धर्म की रीढ़ थी, वो किसी भी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। जीव हत्या तो छोड़ो, वो किसी वृक्ष को भी काटना पाप समझते थे। यानी जीव हत्या, किसी को कष्ट देके या किसी को पाप के किसी प्रकार का पाप करके हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, तो वो अहिंसा में विश्वास करते थे। उसके बाद में पंच अणुवर्त, जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्या है, पंच अणुवर्त। उन्होंने गृहस्थ को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जब व्यक्ति गृहस्थ में जाता था, शादी करता था और शादी करने के बाद संतान उत्पत्ति करता था और फिर उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उसको पंच अणुवर्त यानी पांच अणुवर्तों का विधान को स्वीकार करना पड़ता था। पांच अणुवर्त होते थे, उनको उन नियमों का पालन करना पड़ता था। ये पांच अणुवर्त क्या थे, पहला था अहिंसा, मतलब किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं करनी, यानी हिंसा नहीं करनी, किसी के कष्ट नहीं पहुंचाना है। दूसरा है अस्थे, यानी किसी प्रकार की चोरी चकारी नहीं करनी, हमें किसी की चोरी नहीं करनी। तीसरा है सत्य, हमें हमेशा सत्य कहना है, सत्य बोलना है। और चौथा है ब्रह्मचर्य, हमारा जो आचरण होना चाहिए वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। और उसके बाद में अंत में है अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी वस्तुओं का मोह नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, हमारी जितनी आवश्यकता है जरूरत है उतना ही संग्रह करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है वो है शारीरिक कष्ट को प्रमुखता, यानी उस समय मुनियों को या जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है या जीवन में एक मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो जैन धर्म वाले मतलब कि शरीर को कष्ट देना मतलब उसको प्रमुखता मानते थे कि बिना शरीर को कष्ट दिए हमें कोई भी ज्ञान की प्राप्ति या हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए शरीर को कष्ट देना और शरीर को तप देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान जितना तपेगा उतना ही उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा। उसके बाद में छठा जो पॉइंट है वो त्रिरत्नों का विधान। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ समस्या जरूर होती है अपने जीवन में, हर मतलब कोई भी प्राणी समस्याओं से बचा नहीं है, हर प्राणी के पास में समस्या कुछ किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य होती है। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी बुरे कर्म क्यों होते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं होता है, और इस ज्ञान उन बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान प्राप्त करके ही हम बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं, और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का विधान किया गया था। उस समय जैन धर्मियों ने सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो त्रिरत्नों का विधान किया गया था। और त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, यानी सम्यक ज्ञान का मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक श्रद्धा यानी सत्य पे विश्वास करना, सत्य पे श्रद्धा रखना, और सम्यक आचरण यानी अच्छा आचरण करना, अच्छा अपने व्यक्तित्व बताना। ये तीन विधान थे, इसी को हम त्रिरत्न कहते थे, जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता था। उसके बाद में सातवां जो पॉइंट है वो है मोक्ष प्राप्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, यानी पूरा जीवन हमें मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म और मरण के छुटकारा, जन्म और मरण से छुटकारा पाना। यानी हमें जैन धर्म वाले ये मानते थे कि बार बार जन्म लेने का मतलब होता है कि हम बुरे कर्म करते हैं और बुरे कर्मों के कारण ही हमें सजा के तौर पर बार बार जन्म मिलता है। अगर हम एक बार मोक्ष की प्राप्ति कर ले, एक बार हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर ले, हम समाज सेवा करें, हम जीव की हत्या न करें, अहिंसा करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और ये बार बार जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। तो जीवन का, जैन धर्म में मानते हैं कि जीवन का अपना जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, प्रमुख मतलब उद्देश्य होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करना। फिर उसके बाद में आठवां पॉइंट है ब्राह्मणों की प्रमुखता पे अस्वीकार। पहले क्या होता था वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, ब्राह्मण ही
समाज में सर्वोपरि थे, ब्राह्मण का ही सम्मान किया जाता, ब्राह्मण ही ज्ञान के ज्ञान प्रसार करता था, ज्ञान बांटता था, और वो जो कहते थे वो सभी को उनको मानना पड़ता था, क्योंकि उनका जो स्थान होता था वो समाज में सर्वोपरि होया करता था। इसलिए जो भी वो कहा करते थे उन सभी की बातें माननी पड़ती थी। उसके बाद में वेदों की प्रमाणिकता में अविश्वास, जैन धर्म वेदों की प्रमाणिकता में अविश्वास रखता है, यानी वह ये मानता है कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य नहीं है, उनकी प्रमाणिकता उनका प्रमाण नहीं है, इसलिए हमें वेदों में जो चीज लिखी है वो उन चीजों को पालना नहीं करनी है, उनका कहना नहीं मानना है। तो ये आपके जैन धर्म सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे आशा करता हूँ, और अगर नहीं समझ आया तो आप व्हाट्सएप पे और या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न पूछकर उत्तर जान सकते हो, और कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।